इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर सूरत के डायमंड उद्योग पर पड़ रहा है। युद्ध की वजह से 1400 करोड़ के डायमंड एक्सपोर्ट पर सीधा असर हुआ है। ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है, जिसका सीधा असर गुजरात के सूरत के हीरा उद्योग पर देखने मिल रहा है। जंग की स्थिति के कारण इसराइल के साथ होने वाला हीरे का व्यापार ठप हो गया है। सूरत का हीरा उद्योग वैसे ही मंदी की मार झेल रहा है। इसी बीच ईरान और इसराइल की जंग के चलते सूरत के हीरा व्यापारी भी इसराइल से वापस आ गए हैं। इस युद्ध का सीधा असर 1400 करोड़ के हीरा उद्योग व्यवसाय पर देखने मिल रहा है। इसराइल और ईरान के बीच जंग से सूरत के हीरा उद्योग को भी बड़े नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसराइल में सूरत और मुंबई से ही 18% जितने डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे में युद्ध के असर से डायमंड इंडस्ट्री को 1400 करोड़ का फटका पड़ा है। और डायमंड इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें तो कोविड-19 की परिस्थिति के बाद 2020-21 के अंदर हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमारा हुआ था $41.7 बिलियन का, लेकिन बाद में तीन साल की हम बात करें तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है चाइना के अंदर मंदी का माहौल और कोविड-19 की परिस्थिति के बाद मार्केट ही नहीं ओपन हुआ, और बाद में यूक्रेन और रशिया का युद्ध की भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुई, और अभी जो इराक इजराइल पैलेस्टाइन लेबनिस के बीच में युद्ध का माहौल है, इसके कारण ये डायमंड इंडस्ट्री पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हो रही है। खास तो हमारा इजराइल के साथ 2023 के अंदर $14.7 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था, उसके पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो युद्ध लंबा चलेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकती है और एक्सपोर्ट डाउन भी हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री के लोग आशावाद है कि दिवाली के बाद अच्छा माहौल हो जाएगा, शायद वो आशावाद के साथ लोग अभी डायमंड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन खत्म होने के बाद शायद उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव आ जाए, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी धीरे धीरे जो माहौल अच्छा हो रहा था, लेकिन युद्ध के कारण फिर से थोड़ा मंदी का माहौल आगे बढ़ेगा, ऐसा डायमंड इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए उसकी अभी मान्यता है। सूरत विश्व के सबसे बड़े कॉटन डायमंड इंडस्ट्री सूरत में ही है। विश्व के 15 डायमंड में से 14 डायमंड कॉटन पॉलिश सूरत के अंदर होता है। तो हम विदेश आधारित ये इंडस्ट्री है, तो विदेश के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होती है तो इसकी सीधी इफेक्ट सूरत के कॉटन डायमंड इंडस्ट्री पे पड़ती है।